हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सिंह बघेल। आज हम लेके आए सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर से सवाल पीसीएस मेंस हो, चाहे आरएएस हो, बीपीएससी हो, आईएएस हो, सब में सवाल पूछा जाता है। और देखिए सिटीजन चार्टर क्या है, क्या होता है ये, इसके क्या लाभ हैं, देखते हैं। देखिए सिटीजन चार्टर जो होता है वो, उसको हिंदी में नागरिक घोषणा पत्र सिटीजन चार्टर कहा जाता है। अर्थात इस पर ज़्यादा हमें लोगों मैटर नहीं मिलता पीसीएस के लिए पढ़ने के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें नागरिक घोषणा पत्र नागरिकों के अधिकार संबंधी ऐसा उपबंध है जिसका उद्देश्य मुख्यतः किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेही एवं नागरिकोन्मुखी बनाना है। यह स्वशासन के लिए साधन की तरह कार्य करता है। यदि किसी संगठन की सेवाओं के मानक संगठन संबंधी सूचना, परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण, भ्रष्टाचार इत्यादि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। भारत में 2011 में सिटीजन चार्टर विधेयक संसद में पेश किया गया था, जिसे वर्ष 2013 में मंत्रिमंडल से स्वीकृति भी मिल गई थी, तथा इस विधेयक को संसदीय स्तर पर अभी नहीं मंजूरी मिली है। भारत सरकार के अधिकांश मंत्रालय विभागों द्वारा सिटीजन चार्टर को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे जन सेवाओं को दक्ष, त्वरित एवं जनोन्मुखी बनाया जा सके। लाभ क्या सिटीजन चार्टर से? सिटीजन चार्टर से लाभ होता है, जैसे अगर आप किसी तहसील में गए होंगे तो वहाँ देखा होगा आपने, लगा होता है तहसील में, डीएम कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय के सामने, नायब तहसीलदार के सामने, पुलिस में, थाने में, जहाँ भी आप जाएँ वहाँ लगा होता है। श्रम, समय और पूंजी की बचत होती है। नागरिकों को निश्चित समय सीमा में वस्तु और सेवा प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। सिटीजन चार्टर में पेंशन पाने, पासपोर्ट बनवाने, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होता है। इस कार्य हेतु उन्हें किसी की मुट्ठी गर्म करनी अर्थात रिश्वत देनी नहीं होती है। इसमें यह भी उल्लेखित होता है कि अधिकारी अथवा शिकायत निवारण अधिकारी के ऊपर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। अगर कोई अधिकारी सही समय में काम पूरा नहीं करता है तो उस अधिकारी के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, जिससे अधिकारी में अपने कार्यों के प्रति संवेदनशीलता रहती है और भय बना रहता है कि हम जनता की शिकायतों का शीघ्र से शीघ्र निवारण कर सकें। अब देखिए यहाँ पर एक मैप बनाया है आगे और समझाया कि इसमें किस किसके मध्य ये सेतु काम करता है। आप जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम है, संगठन एक तरफ, संगठन छोटा है और जनता बहुत मास है, ये बहुत विशाल जनसंख्या है, तो इसके मध्य में अतः स्पष्ट है कि सिटीजन चार्टर संगठन और जनता के मध्य एक सेतु का काम करता है। यहाँ बीच में सिटीजन चार्टर है, यहाँ जनता है, ये संगठन है। नागरिक घोषणा पत्र ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम से पारदर्शी, सुव्यवस्थित तथा त्वरित उपलब्ध कराया जा सकता है, त्वरित लाभ होता है इससे। तो इसी के साथ ये नागरिक अधिकार घोषणा पत्र समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।